डियर स्टूडेंट्स आज हम करेंगे चैप्टर सेवन दैट इज़ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन से हमारा मतलब यहाँ पे यही है बेसिकली इस चैप्टर में आप एनिमल टिश्यूज़ पढ़ने वाले हो प्लांट टिश्यूज हमने किए थे आपने देखा था वहाँ पर अलग तरह के टिश्यूज़ थे मेरिस्टमेटिक परमानेंट टिशूज़ हैं एनिमल्स में जो है टिश्यू सिस्टम वो डिफरेंट होता है थोड़ा अब एनिमल्स में लेकिन आप ये जान के हैरान होंगे कि जितने भी एनिमल्स हैं उन चाहे जितने मर्जी कॉम्प्लेक्स उनका स्ट्रक्चर हो पर जो टिश्यूज़ उनमें पाए जाते हैं दे आर ऑफ बेसिकली फोर टाइप्स ठीक है फ़ोर बेसिक टाइप ऑफ टिश्यूज़ दे आर फाउंड इन ऑल द एनिमल्स टिशू अब तक आप जान ही चुके हो टिशू होता क्या है ना ग्रुप ऑफ सेल्स हैं विच वर्क टुगेदर और अगर टिशू आपस में मिलकर काम करें तो फिर वो ऑर्गन बना देते हैं ऑर्गन्स आपस में मिलकर काम करें तो वो ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम एक्सेट्रा so, है ना सो एनिमल्स में एनिमल टिश्यूज़ जो हैं हमने कहा वो बेसिकली चार तरह के होते हैं और वो कौन सी फोर टाइप्स हैं एक होता है एपीथीलियल टिशू एक होता है कनेक्टिव टिशू देन मस्कुलर टिशू एंड न्यूरल टिशू सो दीज़ आर द फोर टाइप्स ऑफ टिशूज़ फाउंड इन एनिमल्स कौन कौन से एपीथीलियल कनेक्टिव मस्कुलर और न्यूरल तो इन चारों के बारे में हमने बारी बारी से पढ़ना है पहला है एपीथीलियल टिशू सो एपीथीलियल टिशू जो ये वर्ड है एपीथीलियम है ना एपीथीलियम या एपीथीलियल टिशू हम इसको कहते हैं इसका बेसिकली आपने याद रखना है कि ये कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में जितने भी फ्री सर्फेस हैं है ना यानी कि ये हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को कवर करता है या तो उनकी कवरिंग्स बनाता है है ना? या फिर अगर कोई जैसे ट्यूब ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर है तो उसके अंदर की लाइनिंग को बनाएगा है ना कवरिंग्स एंड लाइनिंग्स मेनली वो काम होता है स्कैपीथील टिशू का और इस टिशू में जो सेल्स होते, है, है? होते हैं दे आर कॉम्पैक्टली पैक्ड ठीक है वो टाइटली पैक्ड होते हैं बहुत कम उनमें इंटरसेलुलर स्पेस बचता है या मैट्रिक्स बचता है तो एपिथेलियल टिश्यू जितना भी है ठीक है वो फर्दर उसको दो ग्रुप्स में बांटा गया है एक सिंपल एपिथेलियम और एक कंपाउंड एपिथेलियम ठीक है दोनों में फ़र्क क्या है कि सिंपल एपिथेलियम में जो सेल्स हैं वो एक ही लेयर में अरेंज्ड होंगे सिंगल लेयर्ड होता है ये ठीक है सिंपल एपिथीलियम इज़ कम्पोज ऑफ सिंगल लेयर ऑफ़ सेल्स जबकि कंपाउंड एपिथीलियम जो है इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर लेयर्स ऑफ सेल्स ठीक है इसके अलावा दूसरा आप ये कह सकते हो कि कंपाउंड एपिथीलियम जो है उसका मेन फंक्शन जो है वो प्रोटेक्शन का होता है जबकि जो सिंपल एपिथीलियम है उसका मेन फंक्शन क्या होता है वही लाइनिंग्स बनाना है ना ठीक है सो इन दोनों में ये डिफरेंस है ये सिंगल लेयर्ड है ये मल्टी लेयर्ड है तो अब आ जाते हैं पहले सिंपल एपिथीलियम ले लेते हैं सिंपल एपिथीलियम हमने कहा कि वो सिंगल लेयर्ड है है ना सिंगल लेयर्ड है तो फिर वो फर्दर अगेन वो तीन तरह का होता है ठीक है तीन कौन कौन सा स्क्वैमस एपिथीलियम क्यूबॉइडल एपिथीलियम एंड कुलमनर एपिथीलियम होगा सिंगल लेयर्ड ही थोड़ा सा इसकी जो क्लासिफिकेशन है या डिवीजन है आप देखिए कि सबसे पहले तो हमने कहा ना कि एपिथेलियल टिश्यू जो लाइनिंग्स कवरिंग्स बना रहा है उसकी हम बात कर रहे हैं फिर हमने कहा कि वो दो तरह का होता है सिंपल और कंपाउंड सिंपल जो है वो सिंगल लेयर्ड होता है कंपाउंड जो है वो दो या दो से ज़्यादा लेयर्स का होगा इसमें जो सेल्स हैं मतलब वो दो या उससे ज़्यादा लेयर्स में अरेंज्ड होंगे सिं, जो सिंपल एपिथीलियम है उसमें एक ही लेयर में अरेंज होंगे अब एक ही लेयर में अरेंज तो हैं लेकिन फिर भी वो आगे तीन तरह का होता है ठीक है किस आधार पर कि उन सेल्स की शेप क्या है उस आधार पर ठीक है या तो स्कैम स्क्वैमस एपिथीलियम होता है या क्यूबॉयडल होता है या तीसरा होता है कुलम्बनर होंगे तो इस सब एक ही लेयर में अरेंज होंगे लेकिन उनकी शेप क्या है सेल्स की उसके आधार पर ये देखिए तीन तरह के सिंपल एपिथीलियम है ये तो पहले वाले में आप देख रहे हो यहाँ पर जो सेल्स हैं वो बिल्कुल फ्लैटनड सेल्स हैं यानी कि चपटे सेल्स हैं काफ़ी ज़्यादा जैसे टाइल्स होती हैं है ना चपटी तो एक दूसरे के साथ ये सटे हुए हैं इस तरह से आप देख लीजिए इनमें कोई गैप नहीं रहता है सो दिस इज़ स्क्वस एपिथीलियम जिसमें कि सेल्स जो हैं वो चपटे होते हैं या फ्लैटनड होते हैं क्यूबॉयडल एपिथीलियम जो है वो कैसा होगा जिसमें जो सेल्स हैं वो कैसे होंगे क्यूब की तरह क्यूब आप समझते हो ना जो एक स्क्वायर की तरह मतलब हर तरफ से दिखता है तो उसको क्यूब लाइक शेप कहते हैं तो ये सेल्स वैसे हैं इनकी लेंथ और ब्रेथ लगभग बराबर होती है जबकि तीसरी टाइप है कोलमनर एपीथीलीम कोलमनर एपिथीलीम के सेल्स कैसे हैं आप देख रहे हो यहाँ पर इनकी लंबाई ज़्यादा है है ना हाइट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू ब्रेथ है ना तो ये थोड़े लंबे सेल्स हैं इनको बोलते हैं कोलमनर टिशू तो ये तीन तरह का सिंपल एपिथीलियम है जिसमें हमने कहा कि सेल्स हैं तो एक ही लेयर में अरेंज है आप देख रहे हो एक ही लेयर है सेल्स की पर सेल्स की शेप अलग अलग है फ्लैट सेल्स हैं तो उसको हम कहते हैं स्कोम एपिथीलियम क्यूब की तरह शक्ल है तो क्यूबॉडल एपिथीलियम और इस तरह के लंबे सेल्स हैं तो कॉलमर एपिथीलियम ठीक है ये तीन तरह का है अब इसमें थोड़ा थोड़ा ये देख लेते हैं कि कौन सा एपीथीलियम कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में तो जैसे स्क्वैमस एपीथीलियम यानी कि फ्लैटन सेल्स ये वाले इस तरह का टिश्यू जो है वो हमारी बॉडी में कहाँ मिलता है जो ब्लड वेसल्स हैं हमारी उनके अंदर जो उनकी वॉल्स हैं वहाँ पर या फिर लंग्स में जो एयर सैक्स हैं उनकी लाइनिंग बनाता है ये वाला टिशू दूसरा जो क्यूबॉइडल टिशू है दिस इज़ फाउंड इन डक्ट्स ऑफ ग्लैंड एंड पार्ट्स ऑफ ट्यूबुलर पार्ट्स ऑफ नेफ्रॉन नेफ्रॉन क्या होते हैं किडनी में जो ब्लड को साफ़ करते हैं ना और यूरिन जहाँ बनता है तो वहाँ पर टिब्यूल्स अगेन ट्यूबलेक्स स्ट्रक्चर्स होती हैं तो वहाँ ये पाया जाता है ये वाला एपीथीलियम इसके अलावा जो ग्लैंड हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं उनके डक्ट्स में भी ये पाया जाता है तीसरा जो एपीथीलीम है कोलमनर एपीथीलियम जिसके थोड़े ये लंबे वाले सेल्स हैं सो दिस इज़ फाउंड इन द लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन ठीक है हमारे स्टमक और इंटेस्टाइन की जो लाइनिंग है अंदर की तरफ वो इस एपीथीलीम की बनी होती है ठीक है इसके अलावा चौथा भी एक एपिथीलियम आप कह सकते हो सीलिएटेड एपिथीलियम क्या हुआ सीलिया एक्चुअली क्या होता है कि ये जो कलमनर एपिथीलियम है अगर इसके सेल्स में सीलिया हो एक तरफ इस तरह से है ना ये तो ये बन गया सीलिएटेड एपीथीलियम राइट ज़्यादा डिफरेंस नहीं है सिर्फ इतना है कि कोलमनर ये सिंपल है कोलमनर यहाँ पे क्या है कि कोलमनर के सेल्स जो थे उनमें ऊपर ये सीलियाँ हैं तो ये सीलिएटेड एपिथीलियम कहलाता है और इस तरह का सीलिएटेड जो एपिथीलियम है वो कहाँ पाया जाता है हमारी बॉडी में ब्रोंकियोल्स जो अगेन लंग्स में हैं ट्यूब्स और फेलोपियन ट्यूब जो कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो उनमें ठीक है क्योंकि ये जो सीलियाँ हैं इनका काम होता है पार्टिकल्स को आगे आगे मूव करना ठीक है तो जैसे फेलोपियन ट्यूब में एग जो है उसको आगे आगे धकेलते हैं ये सीलिया जो हैं हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं ठीक है सो दिस इज़ सिंपल अभी तक क्या चल रहा है ये सिंपल एपिथीलियम जो कि हमने कहा स्क्वामस क्यूबॉइडल और क्लमनर हो सकता है और अगर उसमें सीलियाँ हो तो फिर वो सीलिएटेड भी हो सकता है ठीक है इसके अलावा कई बार ये देखा गया है कि यही जो टिशू है जो अभी हमने कोलमनर या क्यूबॉइडल टिशू किया कई बार ये स्पेशलाइज हो जाता है कहने का मतलब ये एक पर्टिकुलर फंक्शन ले लेता है सिक्रीशन का यानी कि ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है तो उस केस में फिर हम इसको बोल देते हैं ग्लैंडुलर एपीथीलियम यानी कि ये ग्लैंड्स बनाता है ग्रंथियाँ ठीक है तो जब ये टिशू जो है जो ऑलरेडी हमने किया अभी कि वायरल टिशू या कॉलोमल टिशू है ना जब ये कुछ सिक्रीट करता है या हम कहें ये ग्लैंड में तब्दील हो जाता है तो उसको ग्लैंडुलर एपिथीलियम कह देते हैं और ग्लैंड जो हैं वो दो तरह के हो सकते हैं यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेलुलर जैसे कि इस डायग्राम में अगर हम देखें तो ये जो सेल है ये एक सिंगल सेल है इसका ये न्यूक्लियस दिख रहा है ठीक है और ये कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है बना के सो दिस इज़ अ यूनिसेल्यूलर ग्लैंड ये सिंगल सेल है यहाँ पे क्या है इस डायग्राम में आप देखो ये छोटे 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 बहुत सारे सेल्स दिख रहे हैं ठीक है तो ये मल्टी है और ये एक ग्लैंड है जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करता है यहाँ से बाहर सो दिस इज अ मल्टी ग्लैंड इस केस में ये एक ही सेल है सिंगल तो दिस इज अ सेल्युलर ग्लैंड तो सेल कितने हैं उस ग्लैंड में उसके हिसाब से वो दो तरह का हो सकता है यूनि एंड मल्टी दूसरा एक और तरीका क्या है ग्लैंड्स को क्लासीफाई करने का जो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज ग्लैंड आर ऑफ टू टाइप्स एक्जोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड ये किस आधार पर बांटे गए हैं होता क्या है कि कुछ हमने कहा ना ग्लैंड वो होते हैं जो कुछ ना कुछ सिक्रीट करते हैं अब जैसे सलाइवरी ग्लैंड हैं हमारे मुंह में जो सलाइवा सिक्रीट करते हैं तो सलाइवा बना के वो क्या करते हैं कि डक्ट्स के थ्रू सलाइवरी डक्ट्स होते हैं ना मतलब पाइप्स जैसी होती हैं उनके थ्रू वो हमारे मुंह में पहुंचता है ठीक है या स्वेट ग्लैंड हैं जैसे मान लो हमारे स्किन में तो वहाँ स्वेट बनता है और वो अगेन डक्ट के थ्रू स्किन पे ऊपर आता है तो इस तरह के ग्लैंड्स को एग्जोग्रैन ग्लैंड्स कहते हैं ठीक है जो जो सिक्रीट करते हैं चीज़ें और कहाँ डालते हैं उनको थ्रू डक्ट्स भेजते हैं ठीक है डक्ट्स या ट्यूब्स के जरिए भेजते हैं उनको कहते हैं एग्जोग्रैन ग्लैंड्स जबकि एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं जो अपनी सिक्रीशन को कहाँ डाल देते हैं सीधे ब्लड में मतलब ये किसी डक्ट्स के थ्रू नहीं भेजेंगे ये सीधे ब्लड में डाल देते हैं और ब्लड उसको ले जाता है फिर जहाँ भी लेना होता है और एंडोक्राइन ग्लैंड्स सिक्रीट क्या करते हैं या क्या बनाते हैं ये मेनली हारमोन्स ठीक है और हारमोन्स बना के ये ब्लड में डाल देते हैं तो ये इम्पॉर्टेंट है ये ये जो है टॉपिक दैट इज़ वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एक्जोक्राइन एंड एंडोक्राइन ग्लैंड्स जैसे मैंने कहा ये डक्ट्स के थ्रू अपनी सिक्रीशन भेजते हैं ये ब्लड में डाल देते हैं सेकेंड इज़ की एग्जाम्पल uh, आप दे सकते हो जैसे इसमें स्वेट ग्लैंड हैं स्लाइबरी ग्लैंड हैं और यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंडस की जो एग्जाम्पल हैं जैसे आपके पिच्यूट्री ग्लैंड है थायरॉयड ग्लैंड है ठीक है और इसके अलावा आप ये लिख सकते हो कि ये सिक्रीट क्या करते हैं तो जैसे एंडोक्राइन ग्लैंड मेनली हॉर्मोन सिक्रीट करते हैं सो so, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है नाव वी कम टू कंपाउंड एपिथीलियम अभी तक हमारा सिंपल एपिथीलियम चल रहा था जिसमें कि हमने कहा है एक ही लेयर होती है सेल्स की ठीक है अब कंपाउंड एपिथीलियम जैसे मैंने आपको कहा कि इसमें एक से ज़्यादा लेयर्स में अरेंज होते हैं सेल्स तो जैसे आप इस डायग्राम में देख रहे हो ये एक कंपाउंड एपिथीलियम का डायग्राम है तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक लेयर दूसरी लेयर तीसरी चौथी पाँचवीं सो मल्टीलेयर्ड है ये सो कम्पाउंड एपीथीलीम मल्टीलेयर्ड होता है और उसका मेन फंक्शन प्रोटेक्शन का होता है ठीक है इसके अलावा यहाँ पर एंड में क्या है कि हमने कहा कि ये जो सेल्स हैं एपिथीलियम के जो सेल्स होते हैं हमने कहा ना ये टाइटली पैक्ड होते हैं इनमें जनरली इंटर स्पेसेस स्पेसिस देखने को नहीं मिलती हैं तो किस तरह से ये पैक्ड होते हैं आपस में इनके बीच में जो कनेक्शंस होते हैं वो तीन तरह के होते हैं एक होते हैं टाइट जंक्शंस ठीक है जो सेल्स को बिल्कुल टाइटली होल्ड करेंगे ताकि कोई भी लीक लीकेज ना हो वहाँ पे एक सेल से दूसरे में है ना दूसरा जो है वो है एडहेरिंग जंक्शंस एडहेयर करना होता है किसी के साथ चिपकना तो एडहेरिंग जंक्शंस का, का काम होता है नेबरिंग सेल्स को साथ रखना टू कीप द नेबरिंग सेल्स टुगेदर और तीसरा है गैप जंक्शन तो ये नाम ही बता रहा है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत गैप कह लीजिए या कनेक्शन होगा सेल्स के बीच में ये क्या करता है कि कम्युनिकेट करने देता है सेल्स को है ना जैसे दो सेल्स हैं तो आपस में उनमें कम्युनिकेशन रहता है या चीज़ें ट्रांसफ़र हो सकती हैं ठीक है सो so, जबकि यहाँ पे कोई ऐसा ट्रांसफ़र नहीं हो सकता हमने कहा ना यहाँ कोई लीकेज नहीं होती है टिश्यू सो टाइट जंक्शन एडहेरिंग जंक्शन एंड गैप जंक्शंस ये तीन तरह के जंक्शंस हैं जो एपिथीलियम के सेल्स को आपस में जोड़े रखते हैं so this was all about epithelial tissue in animals next lecture may we will take connective tissue